चलो देखते हैं, खिंचा मार के देखते हैं अभी फर्स्ट गियर पे है गाड़ी। सो व्हाट्स अप यू गाइस, वेलकम बैक टू अनदर ब्लॉग। तो ये वही डे है संडे जिस राइड पर हम आए थे, और अब मैं चलाऊंगा मोहित भाई की हार्ले स्ट्रीट 750। तो देखते हैं चला के कैसी फील आती है, कैसा क्या है, सब कुछ बताऊंगा। तो भाई मोहित भाई की हार्ले चला के देखते हैं। मोहित भाई मेरी बाइक चला रहे हैं एंड व्यू देखो। आज रोड साइड चाय पीने का मन था तो इसलिए आज ढाबे पे रुक गए थे। थोड़ा सा फील भी आ रहा है मेरे को, तो ऐसा लग रहा है किसी रोड ट्रिप पे जा रहे हैं हम। तो चलो देखते हैं बाइक का फर्स्ट एक्सप्रेशन। भाई फर्स्ट एक्सप्रेशन बताऊं तो मैं, सीट हाइट बहुत ही कंफर्टेबल है, पोस्चर भी बहुत अच्छा है, एंड बाकी अभी रोड पे चेक करते हैं खिंचा मार के कैसे क्या है। रॉयल वाला फील आता है वैसे हार्ले डेविडसन पे। तो ये है हार्ले डेविडसन स्ट्रीट 750, 60 nm ऑफ टॉर्क। इसमें BHP नहीं होता हार्ले डेविडसन में, इनमें टॉर्क होता है। एंड ये स्पीड आ रही, ये RPM आ रहा। तो चलो देखते हैं खिंचा मार के देखते हैं अभी फर्स्ट गियर पे है गाड़ी। गाड़ी में नो वाइब्रेशन, वाइब्रेशन है नहीं, स्मूथ साउंड है गाड़ी की। एंड जो ये थ्रिल है देखो, क्या खिंचा लग रहा गाड़ी में। पटाखे मार ली गाड़ी अच्छे खासे। तो भाई एंगल का थोड़ा देख लेना क्योंकि मेरी बाइक का पोस्चर थोड़ा अलग है, इसका पोस्चर थोड़ा अलग है। ये क्रूजर बाइक है एक्चुअली, तो मेरी बाइक थोड़ी स्पोर्ट्स टाइप होती है तो थोड़ा झुकने वाला सीन होता है इसमें। पटाखे क्या हुआ, तो सेकंड गियर में चेक करते हैं कितनी जाती है। 85 में थंप बहुत अच्छा है, और पटाखे जो मार रही है अलग ही लेवल के पटाखे मार रही है। एंड देख रहे हो पहाड़, पता नहीं कैमरे में दिख रहा नहीं दिख रहा। एंड बाइक बहुत ही अच्छी चल रही है, स्मूथ चल रही है। लेनी पड़ेगी मुझे भी ऐसा लग रहा है, अच्छी चल रही है, मजा आ रहा है चला के, ब्रेकिंग भी अच्छी है। तो भाई मेरा तो दिल आ गया बाइक पर, बहुत ही प्यारी चल रही है, स्मूथनेस। जबकि हार्ले, मैंने हार्ले पहले भी चलाई है काफी, हार्ले काफी वाइब्रेट करती है बिकॉज 2 cylinders होते हैं तो वाइब्रेट करता है 2 cylinder का इंजन, क्योंकि इसमें इनलाइन 2 नहीं होता। 750 cc, 60 nm ऑफ टॉर्क, और हार्ले डेविडसन BHP शो नहीं करती है जो स्पोर्ट्स बाइक में या सुपर बाइक्स में होता है, वो BHP शो ही नहीं करती, वो बस टॉर्क होता है इसमें। और टॉर्क सीरियसली फील हो रहा है कि 60 nm का टॉर्क है इसमें, मज़ा आ रहा भाई। ब्रेकिंग भी अच्छी है और हॉर्न।
बाइक को 130-140 लगने में टाइम ही नहीं लग रहा, बस आप थ्रॉटल खोलो आपकी बाइक 130-140 पता नहीं लगेगा। वैसे टॉप एंड तो ये मेरे ख्याल से 170-180 जाती है, ऑडोमीटर पे 200 दिखा रखा है, पर 200 तो नहीं जाती होगी, 180 चली जाती होगी। पर अभी यार मैं इसकी टॉप एंड चेक नहीं कर सकता क्योंकि अभी क्या है मेरे को थोड़ा सा पोस्चर का फ़र्क है, मैं अपनी बाइक का, मेरी बाइक का पोस्चर थोड़ा अलग है, इसकी इसका पोस्चर अलग है। अभी हाथ में बैठने के लिए बैठने में थोड़ा सा टाइम लगेगा अभी हाथ में इसको तो, और फिर दोस्त की बाइक है यार, मतलब ठीक है भगा लेते हैं पर इतनी भी नहीं। दूसरे की बाइक पर क्या होता है यार, कॉन्फिडेंट आता नहीं है। अपनी बाइक तो आप जैसे मर्जी टेढ़ी वेढ़ी करके निकाल लोगे। एंड मैंने अभी वाइज़र खोल रखा है तो नॉइज़ आ रहा होगा, अब वाइज़र बंद कर लेता हूँ। अब वाइज़र बंद कर लिया है मैंने, तो मैं ये कह रहा था कि इसका टॉप एंड मैं चेक नहीं कर सकता क्योंकि एक तो ये रोड ठीक नहीं है, रोड काफ़ी ज़्यादा बम्पी है एंड ट्रैफिक बहुत ज़्यादा है यहाँ पर। बाकी बाइक नो डाउट बहुत स्मूथ चल रही है, बहुत स्मूथ है, पावर नो डाउट अच्छी खासी पावर है, मतलब बहुत ज़्यादा पावर भी नहीं है और बहुत कम भी पावर नहीं है, मतलब आपको डराएगी नहीं। जैसे आप कोई लीटर क्लास बाइक चला लो वो आपको डरा देती है अगर आपने कभी सुपर बाइक चलाई नहीं होगी तो, मगर ये है आप चला सकते हो उसको, आपको पावर फील होगी, अच्छी खासी पावर फील होगी। एंड अभी देखो सिक्स्थ गियर में चल रही है, कोई वाइब्रेशन नहीं गाड़ी में, बाकी थोड़ा मोटा तो वाइब्रेशन देखो होगा ही। हार्ले डेविडसन है यार, हार्ले का थंप नहीं आएगा जब तक हाथ में पैर में, तो फिर हार्ले नाम किस बात का रह जाएगा। बाकी बाइक नो डाउट बहुत अच्छी है एंड पटाखे भी अच्छी खासी मार रही थी अभी, अभी मैं सिक्स्थ गियर में चल रहा हूँ। खतरनाक वाले पटाखे मार दिए, खतरनाक वाले। भाई मैं आपको इसका नोट साउंड सुनाता हूँ एक बार, तो भाई किसी भी बात पे अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना। एंड बाइक्स के लुक्स देखो, मोहित भाई की बाइक है, थैंक यू मोहित भाई, आपको कैसी लगी मेरी बाइक चला के? आपको आराम आराम से, पर अच्छी बाइक है यार, भाग भी अच्छी खासी रही है, ठीक ठाक है, थोड़ा ब्रेकिंग का इशू है पर बहुत अच्छी बाइक है। ठीक है, मिलते हैं।